हेलो भाई, कैसे हो? मैं एरर पर ऑन क्रेडिट हैज बीन ओमिटेड कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम आवर बुक। अच्छा, इसमें बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। इसमें तीन कॉलम्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। एक हो जाएगा ओरिजिनल एंट्री जो बननी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री जो हमने बनाई, और फिर हम करेंगे उसकी करेक्शन। तो एरर पर इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? मशीन डेबिट अकाउंट्स पेबल। ये तो थी ओरिजिनल एंट्री जो बननी चाहिए थी। अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई हमने? कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड करना भूल गए, कमिट हो गई। ओके, तब करेक्शन क्या होगी? सेम, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करना भूल गए तो जब याद आएगा तो रिकॉर्ड कर देंगे। ये तो हो गई करेक्शन। सेकेंड ईयर बी, परचेज ऑफ अ कंप्यूटर 550 हैड बीन एंटर्ड इन एरर इन द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। परचेज ऑफ कंप्यूटर की ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? ओरिजिनल कंप्यूटर या इक्विपमेंट्स डेबिट। अच्छा, यहाँ पर मेंशन कुछ भी नहीं है, कैश बैंक या क्रेडिट कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने बैंक लिख दी। इक्विपमेंट्स डेबिट बैंक क्रेडिट, वही समझा रहा हूँ, मेंशन नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। कैश डाल दें, पेबल डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मेन चीज है आपकी और करेक्शन, करेक्शन में बैंक नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या बने हमने? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया उसको। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? ऑफिस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। नहीं, ऑफिस एक्सपेंस कंप्यूटर एसेट है, तो एक्सपेंस थोड़ी है, एसेट है। तो ऑफिस एसेट हो सकता था, फिर भी तो साइंस बन जाता। अगर आप ऑफिस एसेट लिखते तो फिर भी एक साइंस बन जाता, बेहतर। हाँ, लेकिन एक्सपेंस तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अच्छा, हमें डेबिट क्या करना था? इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट हमने कर दिया एक्सपेंस अकाउंट। अब करेक्शन क्या होगी इसकी? सेम नहीं, अब सेम जोड़ी होगी। देखिए, एक्सपेंस अकाउंट को हमने गलती से डेबिट किया, अब तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट रही क्या होता है? कैंसिल ना, जितने से आप डेबिट कर रहे उतनी अमाउंट से अगर क्रेडिट कर दें तो वो खत्म हो जाएगा, इफेक्ट जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा ना। अब ऑफिस एक्सपेंस को हमने गलती से डेबिट किया, अब उसको क्रेडिट करेंगे 550 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और डेबिट करना क्या था? तो इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट। ये इसकी करेक्शन है। देखिए कैसे, तो मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को गलती से डेबिट किया ना, ये डेबिट हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट क्रेडिट क्या होंगे? कैंसिल हो गए, जीरो। अब बचा क्या? इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, तो वही ओरिजिनल वाला इफेक्ट आ गया। करेक्शन सही हो, ये गलती से डेबिट हुआ, बात ही नहीं करें। ठीक हो जाए, मैं समझा रहा हूँ। तो हमने गलती से डेबिट किया तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। बचा गया इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, कोई ओरिजिनल वाले इफेक्ट आ गया, तो ये करेक्शन सही हो गई। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि रॉन्ग एंट्री और करेक्शन दोनों को आप कंबाइन मर्ज कर लें, तो ओरिजिनल वाला इफेक्ट आना चाहिए, इसका मतलब करेक्शन आपकी सही हो। तो आपको याद है ना, डेबिट डेबिट प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होते हैं,
डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाते हैं ना। अच्छा नेक्स्ट है, क्रेडिट सेल ऑफ 120 हैज बीन एंटर्ड इन द बुक्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एज 102। अब ये क्रेडिट सेल्स है, पहले तो इसकी ओरिजिनल एंट्री बना लेते। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हो गई 120 से। अच्छा ब्रॉन्ग क्या बनाई, अमाउंट अच्छा चेंज हो गया, 120 की जगह 102 कर दिया, अमाउंट गलत हो गया। अब एंट्री वही बनी हमारी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन अमाउंट रॉन्ग हो गया, 120 की जगह हमने 102 कर दिया। करेक्शन क्या होगी, तो देखिए हमें रिसीवेबल को डेबिट करना था 120 से, डेबिट हमने किया 102 से, ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था कम से डेबिट किया। अब इसको इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज कर, अब इसमें हमें 8 और ऐड करना, 18 ऐड करना होंगे। अब इसको रिसीवेबल को इंक्रीज करने के लिए आपको 18 से मजीद डेबिट करना होगा ना, डेबिट डेबिट प्लस 120 हो जाएगा। ठीक इसी तरह सेल्स को क्रेडिट करना था 120 से, क्रेडिट किया 102 से, कम से क्रेडिट किया है, इसे भी इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के लिए मजीद हमें इसे क्रेडिट करना होगा 18 से, तो 102 और 18 ऐड होकर 120 हो, सेम एंट्री पर जाएगी 18 से। नहीं वो बाद में बात करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। ओके अब 102 से डेबिट किया, 18 से हमने मजीद डेबिट कर दिया, डेबिट डेबिट प्लस 120 हो गया, क्रेडिट 102 से किया, मजीद हमने उसको क्रेडिट किया 18 से, दोनों ऐड हो गए 120, तो कनेक्शन हमारी सही है। कॉपी बाद में कर लीजिएगा, समझ ले पहले वाला, कॉपी करने की जल्दी नहीं। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, कमीशन रिसीव है, कमीशन इनकम होती है, तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है, कमीशन इनकम तो क्रेडिट हो गई, डेबिट क्या करेंगे, कैश या बैंक कुछ भी लिख दें, मेंशन नहीं है कुछ भी लिख सकते, तो ऑनिशियल एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट हो गई, ये तो हो गई ऑरिजिनल एंट्री, कमीशन रिसीव किया हमने, बैंक या कैश डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, हैज बीन एंटर्ड टू डेबिट सेल्स अकाउंट, यानी कि कमीशन इनकम को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर, रॉन्ग क्या बनेगी, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब एरर क्या हुआ, कमीशन इनकम को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट तो सही है। अब ये सेल्स को हमने गलती से क्रेडिट किया, सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया तो कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, कमीशन इनकम को क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, सेल्स डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। हाँ तो ये सेल्स से सेल्स क्या होंगी, कैंसिल, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, तो ये क्रेडिट और डेबिट क्या होंगे, कैंसिल। अब बचा क्या, बैंक डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, तो वही ओरिजिनल इफेक्ट आ गया, करेक्शन सही हो। नेक्स्ट रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, एंट्री क्या होगी, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, हैड बीन एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एंड डेबिट साइड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब क्या किया हमने, कैश बुक को क्रेडिट किया और रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, तो ये दो मिलकर उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अभी हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया ना, कैश को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल को क्रेडिट करना था डेबिट, ये हो गया कंप्लीट रिवर्सल। अब करेक्शन क्या होगी, इसको सीधा कर देंगे,
रिवर्स हो गए तो सीधा कर लेंगे। कलेक्शन क्या होगी? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। अमाउंट क्या आएगा? ये आएगा, डबल होगा, हाफ हो जाएगा, क्या करें? डबल कर देंगे, डबल कर देंगे जी। करेक्शन होगी डबल से, ये समझा देता हूं। डबल क्यों करेंगे ये समझ लें, इसको एक एग्जाम्पल। अब देखिए डबल हम क्यों कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं। अब फर्स्ट कर लेंगे, कैश अकाउंट का बैलेंस है हमारे पास 1000 का बैलेंस है सपोज, ठीक है। अब हमने कस्टमर को कैश सेल्स की, कैश सेल्स की हमने 200 की, तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश हो गया डेबिट ना। अब कैश अकाउंट को क्लोज करें तो बैलेंस कितना आएगा? 1200, सही है। अब हमने यहाँ बैलेंस कितना आ गया? 1200, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, अब ये 1200 यहाँ लिख लेते ना, बैलेंस कितना आएगा? 1200। अच्छा अब हमने क्या किया, इसको 200 से डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया, रिवर्स हो गई एंट्री। कैश अकाउंट को डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया, रिवर्स हो गई। अच्छा अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस कितना आएगा? 800 आएगा। आना कितना चाहिए था? 1200 बैलेंस आना चाहिए था, बैलेंस आ रहा है 800। इफेक्ट कितने का आ गया? डबल हो गया, 200 का डबल 400, ठीक है। तो साइड चेंज होने से क्या हुआ? इफेक्ट डबल हो गया। अब करेक्शन क्या होगी? देखिए अगर हम सिर्फ इसको 200 से डेबिट करें, अगर सिंगल अमाउंट, अब बैलेंस क्या आएगा? 1200, 1200 ये कितना रह जाएगा? तो ये तो 1200 होना चाहिए ना, अभी भी 1000 आ रहा है, तो आंसर तो सही नहीं है। अब क्या करें, अगर एक बार और इसको डेबिट कर दें 200 को, तो बैलेंस कितना होगा? टोटल आ गया 1400, 14 तो बैलेंस आएगा, सही हो गया, ठीक है। इसका मतलब है जब भी साइड चेंज होगी तो करेक्शन डबल अमाउंट से होगी, यानी कि 400। एक उसको कैंसिल करेगा, दूसरा उसे कॉट कर ले। जैसे देखिए एक बार आप 200 लिखेंगे तो ये 200 कैंसिल होंगे ना, क्रेडिट वाला 200 और डेबिट वाला 200, ये तो हो गया कैंसिल। तो फिर आप एक बार और फिर आपको उससे डेबिट करना पड़ेगा, तो आप सही हो जाएगा, सही। अभी पॉइंट याद रखते, जब भी साइड चेंज होगी करेक्शन डबल अमाउंट से करें, सही ठीक। यहां पर साइड चेंज हो रही थी, कंप्लीट रिवर्सल था, तो करेक्शन हमने की डबल अमाउंट, सही। नेक्स्ट कॉपी क्या करना है, आखिर में लेंगे, अभी देखना बाद में। अच्छा लास्ट है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इसकी एंट्री क्या होगी? और क्रेडिट कुछ भी हो जाएगा। अच्छा मेंशन नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कैश बैंक पेबल, ओके। रॉन्ग एंट्री क्या बनी? डेबिट साइड ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, इनके परचेजेस को डेबिट करना था, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब करेक्शन क्या होगी? ठीक, अब ये ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और परचेज को डेबिट करना था डेबिट कर देंगे, ये करेक्शन हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमने गलती से डेबिट किया तो यहाँ क्रेडिट करके उसको कर दिया कैंसिल, बचा गया परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है, क्लियर। आप कॉपी कर लें आराम से, जरूरत नहीं। छोटे नंबर टू चेक कर लें, हम लोग टैली कर लें, प्रिंटिंग या प्रिंटिंग एक्सपेंस अपने यहाँ डेबिट में आएगा, प्रिंटिंग पेज काउंट तो मैंने इसमें प्रिंटिंग लिख दिया, प्रिंटिंग एक्सपेंस। सेकेंड
ओके सेम थर्ड same next mention का क्योंकि देखिए एग्जाम में आपसे वो करेक्शन पूछेगा, एग्जाम में करेक्शन पूछेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वालिटी नेक्स्ट यहां तक का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। ठीक